ब्रांड हाउस प्रीमियम फुटवेयर लाए हैं मुमरा में पहली बार किड्स आईएमपी फुटवेयर्स। मेंस विमेंस के हर तरह के फुटवेयर्स यहां अवेलेबल हैं। खासकर लेटेस्ट आईएमपी फुटवेयर्स और एसेसरीज भी अवेलेबल हैं। आज ही पहुंचिए ब्रांड हाउस। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एमएम वैली के यूनाइटेड प्लाजा में निकला कोबरा सांप, मची अफरा तफरी। देखिए क्या कहा स्थानीय लोगों ने और वाइल्ड लाइफ कार्यकर्ता ने। रफीक कामदार, हिंदुस्तान रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा एमएम वैली परिसर में यूनाइटेड प्लाजा बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में दोपहर 2:30-3 बजे के करीब एक सांप देखा गया। सांप का रंग और उसका डील डॉल देखते हुए साफ पता चल रहा है कि ये कोबरा सांप है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोगों ने दोपहर में ये तस्वीरें इसकी निकाल ली थी। इसके बाद ये सांप एक टोयोटा इनोवा गाड़ी के टायर के मैकव्हील में जाकर बैठ गया। कैसे बैठा है वो मैकव्हील में, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी देरी बाद कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया। हमने वाइल्ड लाइफ एनिमल फ्रेंड्स जो होते हैं, इनकी संस्थाएं जो होती है, उनसे संपर्क कर भूषण सालवे को बुलवाया। भूषण ने यहाँ आकर के सांप को काफ़ी खोजने की कोशिश की, मगर इनोवा से वो सांप कोबरा जो था वो बरामद नहीं हुआ। इस संबंध में भूषण ने क्या जानकारी दी, कैसे कैसे उसने प्रयास किए, उसका क्या संबंध होता है सांप पकड़ने से, और स्थानीय युवक फैसल इन्होंने क्या जानकारी दी, वो भी हम आपको दिखा रहे क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूषण सालवे है। क्या काम करते हैं आप? मैं WWF वॉलंटियर कर रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन। सांप वगैरह जो सब वाइल्ड लाइफ है, जो ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट है, मैं उनको रेस्क्यू करके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देते हैं हम लोग कहीं। तो मतलब आप यहाँ पे एग्जैक्ट सांप पकड़ने के लिए आए? यस सर। तो आपको कितने बजे कॉल आया था? मेरे को अभी आधे घंटे पहले कॉल आया कि ऐसे ऐसे गाड़ी के अंदर सांप गया है। मैं तुरंत उसको पकड़ने आ गया, रेस्क्यू करने। मैं नियर बाय था। तो कितना टाइम हो गया अभी तक आपको?
मैं तो अभी एक घंटा तो ढूंढने में गया, सब ट्राई किए जो जो तरीके थे, बट वो बाहर नहीं आया है। तभी ये लोग बोल रहे हैं अंदर है, तो अभी हम लोग एक दो बार और मतलब लास्ट ट्राई करेंगे, फिर मैं भी चला जाऊँगा। तो एग्जैक्ट सांप का पॉइंट क्या बताएगा आपको? मतलब मेरे को बोले कि इस साइड कॉर्नर वाले टायर पे, पर मैंने पूरा टायर निकाला इसका रिंग वगैरह, बट मेरे को नहीं मिला, तो शायद उसे ऊपर गया होगा, वही चेक कर रहे हैं अभी। तो ये आप जो इनको बता रहे हैं अलग अलग चीज़ें डालने का, जैसे आपने स्प्रे वगैरह मारा, आप फिनाइल वगैरह डाल रहे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो उनकी जो फिनाइल या फिर स्प्रे की जो स्मेल होती है, धुआं होता है, तो सांप बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो बाहर आ जाते हैं इससे। मतलब वैसा इसी तरह की किधर अगर कोने में अगर सांप किधर चला गया हो गाड़ी हो गए, तो फिनाइल और हीट वगैरह मार के उसकी खुशबू से वो बाहर आ जाता है, धुएं से बाहर आता है, फिनाइल से खुशबू से बाहर आएगा वो, ऐसा होता है। अभी ये जो सांप है, यह है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। अच्छा, ये अपने भारत में पाए जाने वाले चार सबसे जहरीले सांपों में से एक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 फीट बढ़ता है। इसका मेन भोजन चूहा है, कभी दूसरे सांपों को खाता है, कभी मेंढकों को खाता है। इंसानों को इसका भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि इंसान क्या है, इंसान इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और अंधविश्वास बहुत है कि सांप दूध पीता है, बदला लेता है, फोटो आंखों में फोटो लेता है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सांप रियल में किसानों का दोस्त है, सभी सांप किसानों के दोस्त है, बट सब में और इसमें फ़र्क है, ये ज़्यादा जहरीला सांप है। मतलब आपका कहना है कि जो चार जहरीले सांप पाए जाते, उसमें से ये जहरीला सांप है, उसमें से ये जहरीला सांप है, और अपने महाराष्ट्र में बहुत कॉमनली मिलता है सब जगह, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। अच्छा, तो इसका जो कलर दिखाया गया है ब्राउन, तो ये एग्जैक्ट है उसका? ये कभी ब्लैक कलर में रहता है, कभी गोल्डन कलर में रहेगा, या कभी ब्राउन कलर में रहेगा, गेहूं के कलर का रहेगा। हाँ, उसको मतलब उसको पहचानना भी बहुत ईजी है, उसके गले के पास ऐसा काला काला निशान दिखेगा। अच्छा, जो उसका स्पेक्टिकल मार्क रहता है। अच्छा, इसे पहचानने का कि ये कोबरा है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है शेख फैजल है। ये कौन सी सोसाइटी है? ये न्यू यूनाइटेड प्लाजा है, शिमला पार्क में। अच्छा, तो ये जो सांप पकड़ने के लिए आए हुए, ये पूरा मांजरा क्या क्या वारदात है, इसके बारे में क्या पूरी जानकारी देंगे? जी, वो 2:30 बजे दोपहर में जो हम लोग का जो एंट्रेंस है, तो उधर से आया, मतलब हम लोग का उस पार जो है खाड़ी है, खाड़ी से जो है हम लोग का कंपाउंड के अंदर आया, तो आगे जो हम लोग का जो पार्किंग है उस तरफ आया 2:30 बजे, तो बच्चे लोग खेल रहे थे, तो मेरे को बोले कि फैसल चाचू कि वो सांप आया है कंपाउंड में, और 2-3 जगह से फ़ोन भी आया मुझे, तो फिर मैं बोला कि भाई मैं आया, खुद आया देखा, तो हमारे जो ग्राउंड फ्लोर में जो है जो खाला और हमारे 70 भाई रहते हैं, तो उन्होंने भी मेरे को फ़ोन किया, बोले यार फैसल बच्चे लोग खेलते हैं तो आओ, तो मैं आया देखा, तो उसके बाद मैंने तुरंत जो है जो स्नेक रेस्क्यू है उन लोग को फ़ोन किया, तो लोग ने हाय, अभी रेस्क्यू का काम चालू है, अभी तक मिला नहीं है, अब इंशाल्लाह देखते क्या होता है आगे। तो एग्जैक्ट आपने सांप के कुछ फोटो वगैरह से निकाले थे? जी मैंने निकाला था। तो कौन से कलर का है वो? भूरे कलर का, भूरे कलर का, आई मीन दैट ब्राउन कलर का है। तो आप बता रहे जैसे गाड़ी में रेस्क्यू चालू है, तो आपने गाड़ी के किस हिस्से में उस सांप को देखा था? वो पूरा साइड के पीछे जो है वो मैक्यूल है, मैक्यूल के अंदर जो है तो उधर ही था वो। अच्छा, लेफ्ट साइड के पीछे वाली टायर। ये कौन सी गाड़ी है? इनोवा गाड़ी है वो। इनोवा गाड़ी के बैक साइड में लेफ्ट साइड के टायर में आपने देखा था? एक्चुअली वो क्या है कि वो घूम रहा था, मतलब वो जो चूहा पकड़ने के लिए आया था। हाँ, चूहा पकड़ने का समय क्या, तो बच्चे लोग क्या है कि उसको पत्थर मारने का कोशिश किया। अच्छा, तो उसके लिए वो जो डर के मारे जो है वो इनोवा गाड़ी के अंदर घुस गया। ठीक है।